सैकड़ों साल पहले मैजिक ज्यूल से एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स को बढ़ाया जाता रहा है। यही वो मिराकुलस है जिन्हें पूरे इतिहास में हीरोज ने हमेशा इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल किया है। इनमें से दो मिराकुलस बहुत ही पावरफुल हैं। बाकी सारे मिराकुलस से लेडीबग के इयररिंग जो उनको क्रिएशन का पावर देता है और ब्लैक कैट का रिंग जो उन्हें डिस्ट्रक्शन करने का पावर देती है। बुजुर्गों के अनुसार जो इन दोनों मिराकुलस को अच्छे से कंट्रोल करेगा एक ही टाइम में उसे पूरा पावर मिलेगा। मुझे पूरा पावर चाहिए न्यूरो, मेरे पास वो मिराकुलस होने ही चाहिए। कोई भी नहीं जानता कि ये मिराकुलस कहाँ है। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया मेरी छोटी न्यूरो, तुम्हारे मिराकुलस ने मुझे उसकी पावर फिर से याद दिला दी। इस मौत रोज ने तुम्हें पावर दी है, उस पावर को किसी को भी देकर तुम खुद को फॉलो करा सकते हो। और जब सुपर हीरोज को बुलाने की बात आती है तब तक सुपर विलन को क्रिएट तो करना पड़ता है। लेकिन मास्टर मिराकुलस को इविल कामों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। मेरे पास ये सारे पावर्स होने चाहिए। तुम्हारा मिराकुलस अब मेरे कंट्रोल में है। अब मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हाँ मास्टर। नोरो, डार्क विंग्स निकालो, निकालो। आज के बाद मैं जिस नाम से जाना चाहूंगा वो है हॉक मॉथ। मास्टर 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 चैंटिंग हमारी ट्रीटमेंट का हिस्सा है। मास्टर मास्टर यहाँ आने के लिए थैंक यू, जल्दी मिलते हैं। मास्टर मैं मौत मिराकुलस को महसूस कर सकता हूँ। मुझे तो लगा कि ये हमेशा के लिए खो गया है। लेकिन मास्टर ये एक नेगेटिव ऑरा है, मुझे डर है कि कहीं ये किसी डार्क पावर के हाथों न पड़ गया हो। हमें नूरो और उसके मिराकुलस को ढूंढना होगा। अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो कोई कह नहीं सकता कि दुनिया का कितना बुरा होगा। समझ गए, टाइम है ट्रांसफॉर्म होने का। प्लीज मास्टर जरा आराम से, अब तो मैं अभी भी जवान हूँ, मैं सिर्फ 186 का ही हूँ। लेकिन तुम सही कह रहे हो वेज, मैं अभी अकेले नहीं कर सकता, हमें किसी की हेल्प लेनी होगी। तुम्हारा अलार्म पिछले 15 मिनट से बज रहा है, तुम लेट हो जाओगी स्कूल के लिए। उठ गई हो मॉम, गुड मॉर्निंग। मैं जानती हूँ क्लोई फिर से मेरी ही क्लास में होगी। एक साथ 4 साल, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल, लकी मी। ऐसा मत बोलो, ये नए साल की शुरुआत है, मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा ही होगा। कितने ऑसम है। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें पसंद आया। थैंक यू डैड, मेरे क्लासमेट्स को बहुत अच्छा लगेगा। यू द बेस्ट। हम बेस्ट हैं और वो भी तुम्हारे अमेजिंग डिजाइन की वजह से। थैंक्स, सी यू टुनाइट। थैंक यू मिस। अरे रे, ये क्या कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। वैसे भी इसमें काफी मैक्रून्स हैं। बहुत डिलीशियस है। ओह नो, मैं फिर से लेट हो जाऊंगी। हैव अ नाइस डे सर। थैंक यू वेरी मच बेटा। नीनो, इस पूरे साल तुम फ्रंट सीट पर बैठोगे। मैरिनेट ड्यूपेंचेंग। फिर से वही। ये मेरी सीट है। पर क्लोई, ये तो हमेशा से मेरी सीट रही है। अब से नहीं, स्कूल का नया साल नई सीट। तो तुम जाकर उस नई लड़की के पास क्यों नहीं बैठ जाती? सुनो, एड्रियन आ रहा है, जब तक वो यहाँ बैठेगा तब तक ये सीट मेरी है, समझी? उठो यहाँ से। पर ये एड्रियन कौन है? इसे एड्रियन कौन है ये नहीं पता। आखिर तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो? वो एक फेमस मॉडल है और मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, वो मुझे पसंद करता है। चलो जाओ निकलो। hey, और ये डिसाइड करने वाली तुम कौन हो? जरा देखो सबरीना, कोई मैरियनेट का साथ देने आया है। तुम क्या कर लोगी सुपर न्यूबी? क्या तुम्हें दिखता भी है? तुम्हें तो मैं दिखाऊंगी। कम ऑन।
सॉरी। ओके, तो क्या सबको सीट्स मिल गई हैं? कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। काश मैं भी क्लोई को तुम्हारी तरह हैंडल कर पाती। ये मजिस्टा का तरीका है हैंडल करने का। वो कहती है कि बुरे लोगों को अगर हराना है तो अच्छे लोगों को थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। वो जो लड़की है वो बुरी है और हम अच्छे लोग हैं। हमें उसे सबक सिखाना होगा। ये कहने के लिए आसान है लेकिन उसे मेरा दिन खराब करना अच्छा लगता है। क्योंकि तुम उसे ऐसा करने देती हो दोस्त, तुम्हें बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए। मैरिनेट, आलिया, जो स्टूडेंट्स नए हैं उन्हें बता दूं कि मैं मिस बूस्टिए इस साल आपकी क्लास टीचर हूँ। उसे अब तक आ जाना चाहिए था। एड्रियन प्लीज फिर से सोच लो, तुम्हें पता है ना तुम्हारे डैड क्या चाहते हैं। लेकिन मैं ये करना चाहता हूँ। थैंक यू बेटा। मुझे बस नॉर्मल लोगों की तरह स्कूल जाना है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्लीज डैड को इस बारे में कुछ मत कहना। जिनका अभी पीटी है उनका इंतजार मिस्टर डार्जन कोट स्टेडियम में कर रहे हैं, बाकी सारे लाइब्रेरी में जा सकते हैं। किम? आइविन, क्या हुआ? ये किम है? हाँ, अब तो तुम गए। आइविन, प्रिंसिपल के ऑफिस जाओ। नेगेटिव इमोशंस एकदम परफेक्ट, वैसे ही जैसा मैं चाहता था। गुस्सा, सैडनेस, उसका दिल पत्थर का बना दो मेरी बुरी अकुमा। जाओ मेरी छोटी अकुमा और उसे बुरा बना दो। एक्सक्यूज मी बच्चे, तुम्हें किसी ने नॉक करना सिखाया नहीं? जाओ बाहर जाओ और फिर से आओ। नॉक करके आओ। स्टोन हार्ट, मैं हॉफ मौत हूँ। तुम्हारे साथ जिसने बुरा किया उससे बदला लेने के लिए मैं तुम्हें पावर्स देता हूँ। ओके हॉक मौत, मुझे नॉक सुनाई नहीं दिया। हेलो पुलिस, यहाँ जल्दी आइए प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? उसकी आवाज़ आइवन जैसी है। हाँ, मानो जैसे वो सचमुच एक सुपर विलन में ट्रांसफॉर्म हो गया हो। जीपीएस चेक, बैटरी चेक, मुझे यहाँ से जाना होगा। आलिया, तुम कहाँ जा रही हो? जहाँ सुपर विलन होता है वहाँ सुपर हीरो भी आते हैं। मैं ये सीन मिस नहीं कर सकती। फिफ्थ फ्रेंच रिपब्लिक के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? सबको लगता था कि वो डिगॉल है, लेकिन इलेक्शंस होने से पहले रेने कॉटी प्रेसिडेंट थे। बहुत बढ़िया एड्रियन। नटली, हमें थोड़े अकेले में बात करनी है। हाँ सर। तुम स्कूल नहीं जाओगे, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। लेकिन डैड, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा, लेकिन तुम उस डेंजरस दुनिया में अकेले नहीं जा सकते। लेकिन कुछ भी डेंजरस नहीं है डैड, मैं हमेशा यहाँ अकेला रहता हूँ। मैं दूसरों की तरह नए फ्रेंड्स क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि तुम बाकियों की तरह नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। कंटिन्यू। आज के लिए हम यही पढ़ाई स्टॉप करते हैं। रेडी फायर। मैं आप सब से कहना चाहूंगा कि जब तक सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो जाती आप सब घर के अंदर। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है, ये कंफर्म हो चुका है कि पेरिस पर एक सुपर विलन ने अटैक किया है। कोई इस सिचुएशन को नहीं संभाल पा रहा। चिंता मत कीजिए, कानून के लंबे हाथ जल्दी ही उसे मार डालेंगे। मेरा मतलब है कि दूसरा हाथ। मेरे स्कूल का पहला दिन ऐसा ही क्यों होता है? ये क्या रखा है यहाँ? बचाओ, बग माउस बात करता है।
वाओ, ये एकदम लैंप वाले जीनी की तरह आया। मैं उससे एक बार मिल चुका हूँ, वो विशेष ही तो पूरी करता है, मैं उससे ज्यादा खास हूँ। फ्लैग, तुमसे मिलकर खुशी हुई। क्लासी। नहीं, उसे टच मत करना। ये कितना चमकीला है, क्या इसे खा सकते हैं? नहीं खा सकते। और इसे मुझे पता है तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन ओके, अगर ऐसे तुम्हें डर नहीं लगता। तुम हो कौन? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं एक कुआमी हूँ, मेरा नाम टीकी है। मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे अभी भी नहीं पता तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सुनो, मैं एक कुआमी हूँ, मैं पावर्स देता हूँ। तुम्हारे पास होगा पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, समझे? गुड, अब मेरे लिए कुछ खाने लाओ, मुझे भूख लगी है। ये मेरे डैड का प्रैंक है, राइट? नहीं, उनके पास इतना सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। तुम्हारे पापा को तो पता भी नहीं होगा कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ, समझे? मॉम, डैड, नहीं, मुझे अपना दोस्त समझो, मुझ पर भरोसा करो। सिर्फ तुम ही हो जो स्टोन हार्ट को हरा सकती हो। आपको लगता है वो मान जाएंगे मास्टर? मैंने बस एक बार गलती की थी, मेरा अंदाजा गलत नहीं होता। आई होप कि ना हो। जरूर कोई गलत फहमी हुई है, अगर मेरे पास कोई सुपर पावर है तो सुपर ऑकवर्डनेस की। आई नो, आलिया को पता होगा, वो मेरी दोस्त है। मुझे तो ऐसा ही लगता है उसे सुपर हीरोज बहुत पसंद है, वो ये काम करने के लिए तैयार होगी। तुम्हें उससे जाकर तुम्हें चूज किया गया है। लेकिन मैं यहाँ बंद हूँ, मुझे स्कूल जाना भी अलाउड नहीं है, और ऐसा सुपर हीरो किस काम का जो घर पे रहे। सही कहा, इसीलिए मैं ये सब जल्दी ही बदलने वाला हूँ, अगर तुम इसे बदलना चाहते हो तो। तो मुझे बस उस ऑब्जेक्ट को तोड़ना है जिसमें वॉचमक्का लिट छुपा है ना? उसे अकुमा कहते हैं, जिसे पकड़ना जरूरी है। ठीक है, पकड़ लूंगी। और वो चार्म का क्या कह रही थी तुम? लकी चार्म, वो तुम्हारी सीक्रेट सुपर पावर है। ये सब कितना फास्ट हो रहा है। ठीक है, देखना देखना, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। भरोसा रखो मैरिनेट, बस बोलो स्पॉट्स ऑन। स्पॉट्स ऑन, क्या हो रहा है? क्लास आउट, ये बोलकर ट्रांसफॉर्म हो जाओ। गॉट इट। फ्लैग, क्लास आउट। नहीं रुको, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। हे कूल, अब इसे चेंज कैसे करते हैं? टीकी, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? मुझे अपने कपड़े चाहिए, मैं कहीं नहीं जा रही। शैटलेट टावर को तोड़ने के बाद स्टोन हार्ट माउंट पर नास टावर की तरफ जा रहा है। इस मॉन्स्टर को कोई नहीं रोक सकता। मैरिनेट, क्या तुम घर वापस आ गई? हाँ मॉम, बस सुपर। मैरिनेट, तुम कहाँ हो? टॉम, हमें स्कूल में कॉल करना चाहिए। मेरे पास स्पेशल पावर्स हैं, और ये बहुत ही अमेजिंग सुपर योयो जैसा कुछ। धीरे धीरे समझ आ रहा है। वेल हेलो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आई एम सॉरी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। तुम जरूर मेरी पार्टनर हो, वो क्वामी ने मुझे बताया था। मैं हूँ कैट नोवर। हाँ, कैट नोवर। और तुम? मैडली क्लम्सी। मैं बहुत क्लम्सी। कोई बात नहीं क्लम्सी गर्ल, मैं भी रोप्स पर चलना सीख रहा हूँ। बचाने, राइट? खुद पर भरोसा रखो, तुम ये कर सकती हो। बताओ अब कौन वीक है? अपने से छोटे लोगों को डराना अच्छी बात नहीं है। लगता है तुम खुद के बारे में बात कर रहे हो। सब कुछ प्लैग के हिसाब से हो रहा है। लेडीबग और कैट नोवर के मिराकुलस एक्टिवेट हो चुके हैं। दुनिया को बचाने तो वो आ गए, लेकिन अब मेरा सुपर विलन उन्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। तुम कहाँ हो पार्टनर? नहीं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं कर सकती। किस बात का इंतजार कर रही हो रेड बग? पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है। जानवरों पर
अत्याचार, ये गलत बात है। सॉरी, मैंने आने में देर कर दी कैट नोआर। नो प्रॉब्लम वंडरबग, तो चलो इस रॉकी को मजा चखाते हैं। रुको, तुमने नोटिस नहीं किया, हर अटैक के बाद वो बड़ा और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कोई और तरीका ढूंढना होगा। और तरीका कैसे? पता नहीं। ओके देन, हम अपनी पावर्स यूज करते हैं। कैटलिज्म। मैं जो भी टच करता हूँ वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। चीजें डिस्ट्रॉय करने के लिए मुझे सुपर पावर नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो। कूल, अब सिर्फ तुम और मैं आमने सामने हैं। मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। कैटनोआर, रुको। शायद मैं सिर्फ एक ही बार मेरी पावर्स यूज कर सकता हूँ। मतलब सिर्फ 5 मिनट में तुम फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाओगे? तुम्हारे क्वामी ने तुम्हें कुछ नहीं समझाया? शायद मैं मेरी नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड था। well, अब मेरी बारी। लकी चार्म। सुपर पावर। मेरे क्वामी ने कहा था कि मुझे वो ऑब्जेक्ट तोड़ना होगा जिसमें वॉच मकालत मतलब अकुमा छुपा हो। हाँ, पर वो तो स्टोन से बना हुआ है। उसका राइट हैंड वो हमेशा बंद रहता है, कभी नहीं खोलता, बिल्कुल रशियन डॉल्स की तरह। इसका मतलब ऑब्जेक्ट उसकी फिस्ट में छुपा है। तो अब तुम्हारा प्लान क्या है? ये डरना मत, ट्रस्ट मी। ये लड़की पागल है। Catch me if you can. और अब आन्या, नल खोलो। ये लड़की ऑसम है, सुपर ऑसम। क्या हो रहा था? मैं क्या कर रहा हूँ? तुम इनक्रेडिबल थी मिस यू बग लेडी, तुमने कर दिखाया। हम दोनों ने कर दिखाया पार्टनर, कर दिखाया। तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, हमारी पहचान सीक्रेट रहनी चाहिए। हाँ सही कहा, जल्द ही मिलेंगे। ओके बाय। इतने भी जल्दी नहीं। मैं इतनी भी हिम्मत नहीं कि मेलेन को अपने दिल की बात बता दो। डरपोक। किम ने ये लिखा? वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाता है। यू नो, तुम्हें इस सब के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। किसी को अपने दिल की बात बताने में कैसे शर्म आए? वन, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता मिस? वाओ, अमेजिंग, स्पेक्टेक्युलर। अब से तुम पेरिस को बचाने वाली हो। तुम ये पावर्स कहाँ से मिले? तुम्हें किसी ने रेडियो एक्टिव का इंजेक्शन दिया था? मुझे तुम्हें बहुत सारे सवाल पूछने हैं मिस। लेडीबग, मेरा नाम लेडीबग है। लेडीबग, सुपर ऑसम। तो इस फुटेज बनाने वाले को थैंक्स। अब पेरिस के लोगों को उनके सुपर हीरोज के बारे में पता चल गया। मैंने कल दिखाया। देखा, मुझे पता था। मैरिनेट, डिनर के लिए आ जाओ। यहाँ एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया जाएगा जो होगा शहर के नए प्रोटेक्टर्स के ऑनर में, लेडीबग एंड कैट नोआर। लेडीबग, उसका नाम लेडीबग है। इली, ये क्या है? सीरियसली, मेरे पर्सनल शेफ ने ये सब बनाया है। अगर तुम चाहते हो कि ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मेरी एनर्जी वापस आए तो मुझे खाने के लिए कुछ डेलिकेट लाओ। ओके, क्या चाहिए तुम्हें? पेरिस अपने दो नए सुपर हीरो से मिलने की खुशी मना रहा है, लेडीबग और कैट नोआर। दूसरी तरफ हजारों लोग अपने आप में ट्रांसफॉर्म हुए जा रहे हैं। ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है। कैमेम्बर्ट चीज, क्या बात है, ये तो बस कैमेम्बर्ट चीज खाता है। इसका मतलब मुझे स्टिंकी ओल्ड चीज की खुशबू आएगी। ये विक्टिम्स जो स्टोन में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, वो स्टैचूज की तरह खड़े हैं। पुलिस टेंशन में है कि उन लोगों के साथ अब क्या होगा, क्या वो फिर से जिंदा होंगे? फ्लैग, ये क्या हो रहा है? मुझे लगा हमने उसे हरा दिया। तुमने अकुमा को पकड़ा? लेकिन अकुमा को पकड़ने से बाकी स्टोन बीइंग्स का क्या कनेक्शन? अकुमा मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए उन्हें पकड़ना जरूरी है। अगर आइवन के इमोशंस फिर से नेगेटिव हुए तो अकुमा उसे फिर से स्टोन हार्ट में बदल देगा और वो स्टोन बीइंग्स को कंट्रोल करेगा और अपनी आर्मी बनाएगा। तो इसका मतलब ये सारी मेरी गलती है? मुझे पता था। देखा चीकी, मैं एक सुपर हीरो नहीं बन सकती, मैं सिर्फ सिचुएशन को खराब कर सकती हूँ। शांत हो जाओ, तुम्हारा फर्स्ट टाइम था। तुम फिर से जाओगी और स्टोन हार्ट का अकुमा पकड़ लोगी और सब ठीक हो जाएगा। नहीं कर पाऊंगी, मैंने कहा था मैं क्लमजी हूँ, मैं बस काम बिगाड़ सकती हूँ। अपने लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए कैट नोआर मेरे बिना ज्यादा अच्छा काम कर लेगा। आई क्विट।
तो मैं लेडी बग के बिना कुछ नहीं कर सकता? सिर्फ लेडी बग ही अकुमास को पकड़ सकती है और सुपर विलन ने खराब की हुई चीजों को सुधार सकती है। अगर कैट नोअर अकुमास को नहीं पकड़ सकता तो तुम किसी और लेडी बग को ढूंढ लो। मेरी बात मानो, मैं लेडी बग बनने के लायक नहीं हूँ। I'm sorry, टीकी। नहीं, ऐसा मत। टीकी? आइवन बहुत ही सेंसिटिव है। वो जरूर थोड़ी देर में फिर से गुस्सा होगा और सैड फील करेगा, और जब ऐसा होगा तो वो और स्टोन बेंस जिंदा हो जाएंगे। फिर मैं देखता हूँ तुम कितनी देर छुपे रहोगे। एक बार मेरे पास तुम्हारे मिरेकल्स आ जाएं, फिर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मेरे सामने सब पावरलेस होंगे। मैं बनूंगा सबसे शक्तिशाली। स्टोन बीन्स पूरे पेरिस में फैले हुए हैं। फिलहाल वो कोई हरकत नहीं कर रहे हैं। पुलिस ने आसपास के एरिया को घेर लिया है। जब तक ये लोग नॉर्मल नहीं हो जाते, हम कोशिश करते रहेंगे। अभी हम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। पेरिस अपने नए गार्डियन एंजल्स लेडीबग और कैट नोअर के भरोसे है। हमारी जान उनके हाथों में है। सुनो, मैं समझ सकता हूँ कि ये कितना डरावना है, पर डोंट वरी स्वीटी, दो सुपर हीरोज पेरिस के साथ हैं और उनकी मदद करने का बेस्ट तरीका है कि हम घबराएं नहीं, क्योंकि हमें उन पर विश्वास है। अगर लेडीबग फेल हो गई तो फिर मैं तुम्हें बचाऊंगा। सुपर बेकर टू द रेस्क्यू। थैंक्स सुपर डैड। एड्रियन, तुमने उसे जाते हुए नहीं देखा? अगर उसे कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। तुम सच में अजीब बच्चे हो। जब सारा दिन घर पर रह सकते हो तो स्कूल क्यों जाना चाहते हो? नहीं समझे ब्लैक, डैड ने मुझे घर पर बंद कर रखा है और मैं सबकी तरह लोगों से मिलना, फ्रेंड्स बनाना और स्कूल जाना चाहता हूँ, समझे? मुझे कमजोरी महसूस हो रही है। पता है अजीब क्या है? यही कि तुम बस ये बदबूदार कैमेम्बर चीज खाते हो जिसकी बदबू 2400 घंटे मुझसे आती रहती है। बदबूदार। अगर तुम सुपर हीरो बनना चाहते हो तो बदले में बदबूदार कैमेम्बर देना होगा मेरे दोस्त। लेडी ब्लॉग, आपकी प्यारी कूलेस्ट सुपर हीरो लेडी बग के लेटेस्ट न्यूज। ये कितना अच्छा है ना? देखो वीडियो पोस्ट करते ही कितने व्यूज मिल गए। पर तुम्हें लेडी बग पर इतना भरोसा क्यों है? ये सारे स्टोन बीइंग्स, वो सबको संभाल लेगी। पर अगर वो असली सुपर हीरो ना हो जैसा सब कहते हैं तो? गर्ल, तुम ये क्या कह रही हो? ओ रुको, मैं समझ गई। तुम डर गई हो, पर डरो मत, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। लेडी बग कमाल की सुपर हीरोइन है, वो हम सबको बचा लेगी, मुझे विश्वास है। तो तुम्हें सचमुच कुछ भी याद नहीं? तुमने सबके होश उड़ा दिए थे, वो कितना कूल था। तुम तो मेरी चटनी बनाने वाले थे डूड। I'm sorry, मैं अपने आप में नहीं था। एक मॉन्स्टर हमेशा मॉन्स्टर ही रहता है। बाहर जाते समय दरवाजे से मत टकराना। Yes, कड़वी बातों से तुम्हें गुस्सा आना ही चाहिए, और गुस्सा करो आइवन, अकुमा तुम्हारी राह देख रही है। एड्रियन, ऐसा मत करो, तुम्हारे पापा नाराज होंगे। उनसे कह रहा तुम देर से पहुंची, प्लीज। तुम आइवन को ऐसा बोल कैसे सकती हो? तुम पत्थर दिल हो। तो क्या मैंने सबरीना के पापा का हाथ तोड़ा? तुम्हारी सुपर हीरो वाला वीडियो टीवी पर क्या दिखा दिया? तुम तो खुद को 30 मार्का समझने लगी हो। ज्यादा उड़ो मत। तुम्हें देखो, किसी को गुस्सा आ रहा है और अब वो थोड़ी ही देर में एक मॉन्स्टर बनने वाली है। Hey, Chloe. Hey, Drickens, तुम आ गए। ये। अरे देखो, अच्छा दिखता है। मैं संभालूंगी। देखो आइवन, तुम्हें मिलान को बताना चाहिए। मुझे पता नहीं तुम क्या कह रही हो। कम ऑन, मैंने तुम्हें उसे देखते हुए देखा। नहीं,
नो नेगेटिव इमोशंस आइवन, मेरा मतलब अच्छा सोचो, थिंक पॉजिटिव। आई एम श्योर मिलेन भी तुम्हें चाहती होगी, एक बार उससे कह दो। मुझे अपनी बात कहनी आती ही नहीं। तो कहने की क्या जरूरत है, पेंटिंग बनाओ या फूल भेज दो या फिर एक क्या मैं गाना लिख सकता हूँ। ये तो कमाल का आइडिया है, किसे अपने लिए लिखा हुआ गाना अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा ही करो आइवन एंड स्टे पॉजिटिव। उसके नेगेटिव इमोशंस कमजोर पड़ रहे हैं। नहीं एडियन, मुझे तुम्हारा ऑर्डर ये तुम्हारी सीट है एट्रकिन्स, मैंने तुम्हारे लिए रखी है ठीक मेरे सामने। थैंक्स क्लोई। हे एड्रियन, तो तुम क्लोई के फ्रेंड हो हाँ? हे ये क्या कर रही हो? कल यहाँ पर जो नकचड़ियाँ बैठी थी ना, उन्हें थोड़ा सा मजा चखाना है। मैं तो बस थोड़ी सी रिस्पेक्ट चाहती हूँ और कुछ नहीं। क्या ये जरूरी है क्लोई? तुम्हें स्कूल कल्चर के बारे में काफी सीखना है एट्रकिन्स, मुझसे सीखो। आलिया तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा अगर तुम सुपर हीरो बन जाओ और मॉन्स्टर्स और विलन्स के साथ लड़ो? बिल्कुल, मैं किसी से नहीं डरती, लेकिन क्यों? नहीं बस ऐसे ही। हे ये तुम क्या कर रहे हो? मैं तो ओके, मैं समझ गई, ये तुम तीनों की शरारत है ना? नहीं नहीं, मैं तो बस इसे निकाल रहा था। ओह रियली? तुम क्लोई के फ्रेंड हो है ना? सब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? अब समझे मैं क्यों रिस्पेक्ट के लिए लड़ रही हूँ। लगता है मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है। ओ हाँ, ये तो मेरे फेवरेट फैशन डिजाइनर गैब्रियल अग्रेस्ट का बेटा है, डैडीज बॉय, टीन सुपर मॉडल और क्लोई का फ्रेंड। हाँ भूल जाओ। तुमने कहा क्यों नहीं कि वो क्लोई का आइडिया था? मैं क्लोई को बचपन से जानता हूँ, वो परफेक्ट नहीं है पर मैं उसे फंसा नहीं सकता, वो मेरी अकेली फ्रेंड है। मैं नीनो हूँ, अब वक्त आ गया है कि तुम कुछ नए फ्रेंड्स बनाओ डूड। अरे नहीं मुझे देर हो रही है। आइवन तुमने मुझे डरा ही दिया। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। मिलन तुम बहुत अच्छी हो और मैं ये यस, मुझे इसी का इंतजार था। तुम्हें पता है अकुमा क्या करना है, अपने शिकार को पकड़ो और जाओ उसे बुरा बना दो। स्टोन हार्ट ये तुम्हारा दूसरा मौका है, इस बार तुम्हारे पास और ताकत होगी, तुम्हें अपने प्यार को पाने से कोई नहीं रोक सकता, याद रहे बदले में तुम्हें कुछ देना होगा। अग्रेस एड्रियन, तुम्हें प्रेजेंट बोलना है। प्रेजेंट बुजुआ क्लोई, प्रेजेंट ब्रूवन आइवन, मुझे जाने दो आइवन। अब मैं आइवन नहीं रहा, मैं स्टोन हार्ट हूँ। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ताकि हम दोनों साथ रह सके हमेशा के लिए। डैडी, मॉन्स्टर वापस आ गया। पीछे चलते हैं। ओह नो, तुम जाओ, मैं किसी सेफ जगह छुप जाऊंगी। तुम लेडीबग को देखने का मौका खो दोगी। तुम और लेडीबग दोनों मेरे बिना ही ज्यादा अच्छे हो। तुम्हारी मर्जी। रुको, तुम्हारा बैग। स्कूल का पहला दिन और मैं रोल कॉल के आगे नहीं बढ़ पाया। इसका मतलब छुट्टी? मैं यही तो तुम्हें कह रहा था। अरे नहीं नहीं नहीं, हमें होमवर्क करना है। बैग क्लोज आउट। तुम्हें पता नहीं है किससे पंगा ले रहे हो, मेरे डैडी यहाँ के मेयर है, वो पुलिस आर्मी पूरी फौज को बुला लेंगे। और सुपर हीरोज को मत भूलना। ओ नहीं, मेरी गलती। अब किस काम के सुपर हीरो?
तुम्हें पूरी फौज चाहिए थी ना, ये लो। उसे पसंद डालो। आइवन, हम कहाँ जा रहे हैं? एक मैसेज देने, उसके बाद एक काली बटरफ्लाई हम दोनों को हमेशा के लिए मिला देगी। इस लवी डवी से तो मैं ऊब गई हूँ। डोंट वरी छोटी मॉन्स्टर, मैं तुम्हारा भी अच्छे से ध्यान रखूंगा। अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो मेरी मदद करो लेडी बग। कहाँ रह गई वो? जाने दो, पत्थर दिल कहीं के। मुझे लेडी बग की जरूरत है। पता था तुम आओगी। मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, पर आलिया खतरे में है और मैं ऐसे ही देख नहीं सकती, है ना? चले जाना चाहिए, ये जगह सेफ नहीं। सॉरी, आने में देर हो गई। माय लेडी, तुमने तो मेरी दुनिया ही उल्टी कर दी। ओह, तुम्हें डायलॉग मारने का काफी शौक है ना? पर अभी उस सब के लिए टाइम नहीं, हमें ये काम खत्म करना है। हम इनसे नहीं निपटेंगे क्या? नहीं, अगर सबको बचाना है तो सोर्स तक पहुंचना होगा। वो रहा। मेरी बेटी को मुझे लौटा दो। दादी। ठीक है बेयर, ये लो तुम्हारी बेटी। बचाओ, प्रॉमिस मैं सबसे अच्छी रहूंगी, प्लीज और थैंक यू। मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया। क्या? मेरी प्यारी प्रिंसेस, हम अटैक के लिए तैयार हैं। रुकिए, प्लीज उन पर अटैक मत कीजिए, इससे बात बिगड़ जाएगी। मेरे पास नया प्लान है, तुम बाजू हट जाओ, हमें अपना काम करने दो, तुम पहले भी फेल हो चुकी हो। वैसे सही कह रहे हैं, अगर मैं स्टोन हार्ट के अकुमा को पहले ही पकड़ लेती तो ये सब नहीं होता, मैं इस काम के लायक ही नहीं हूँ। नहीं, वो गलत है, क्योंकि तुमने उस लड़की को बचाया और हमारे बिना वो ये नहीं कर सकते। हम खुद को साबित कर देंगे, मेरा विश्वास करो। डोंट वरी, ओके? ओके। पेरिस के लोगों, ध्यान से सुनो, मैं हॉक मॉथ हूँ। लेडी बग, कैट नोआर, लेडी बग इयररिंग्स और कैट रिंग मेरे हवाले कर दो। तुम पहले ही मासूमों का बहुत नुकसान कर चुके हो। अच्छी कोशिश थी हॉक मॉथ, लेकिन सबको पता है विलन कौन है। खुद को अच्छा मत दिखाओ, तुम ही हो जो इन मासूम लोगों को ट्रांसफॉर्म करते हो विलन में। हॉक मॉथ, चाहे कितना भी वक्त लग जाए, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम अपना मिराकुलस हमें दोगे। बुराई का खेल खेल। मैं सबसे वादा करती हूँ, कोई भी आपको नुकसान पहुँचाना चाहेगा तो लेडी बग और कैट नोआर आपको बचा ही लेंगे। यस। वाओ, वो मास्क के पीछे जो भी है, मुझे उससे प्यार हो गया है। सुपर हीरोस का यही प्रॉब्लम है, बहुत हीरोगिरी दिखाते हैं। स्टोन हार्ट, वो तुम्हारे प्यार को तुमसे दूर ले जा रहे हैं। उनके मिराकुलस छीन लो ताकि वो तुम्हारे सामने पावरलेस हो जाएं। ओके, बहुत। बचाओ मुझे। तुम मिलन को मुझसे छीन नहीं सकते। मेरे साथ आओ स्टोन बिंग्स। हम घिर चुके हैं, हम उस पर अटैक नहीं कर सकते। हाँ,
पर हमें पता है अकुमा कहाँ है। उसके मुट्ठी में, जिसमें उसने मिलेन को पकड़ रखा है। तो हम जानते हैं कि वो उससे प्यार करता है। That's it. हम स्टोनहार्ट और मिलेन को अलग नहीं करेंगे, उन्हें और करीब लाएंगे एक दूसरे के लिए, बस वो ये जानते नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पर मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। शायद अब से ये ऐसे ही रहने वाला है कि नहीं? बचाओ, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम इससे ज्यादा उन्हें और करीब कैसे लाने वाली हो? अपने पावर्स यूज करके। लकी चार्म। एक पैराशूट, लेकिन इसे यूज कैसे करूंगी? तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो? जल्दी पता चल जाएगा। उसका हाथ, तैयार रहना। पकड़ लिया। अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ छोटे अकुमा। बुराई का खेल खत्म। अलविदा नन्ही तितली। मिरेकुलस लेडीबग। वाओ, क्या तुम भी वही देख रही हो? ये कितना ब्यूटीफुल है और अमेजिंग। ये मिरेकुलस है। ये तो शुरुआत है लेडीबग। कैट नोआर और तुमने भले ही लड़ाई जीत ली है, लेकिन जंग मैं ही जीतूंगा। मैं तुम्हारे मिरेकुलस ले लूंगा और ताकतवर बन जाऊंगा और अपने सीक्रेट ड्रीम को पूरा करूंगा। मुझे लगता है तुम दोनों को बात करनी चाहिए। आइवन ने तुम्हारे लिए ये गाना लिखा है, जरूर पढ़ना। वाओ, ये खूबसूरत है। अफसोस मैं सुन नहीं सकी जब तुम चिल्ला रहे थे, मतलब कि गा रहे थे। वो डरावना था है ना, इसलिए तुम चली गई। I'm sorry, मैं प्यार से कहूंगा। ये दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, जैसे कि हम। ये देख रहे हो, अब हमें चलना चाहिए। See you soon, Cat Noir. मुझे इंतजार रहेगा। जब तक मैं आईफिल टावर पहुंच जाती, सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं लेट हो गई। डोंट वरी, तुम्हें भी चांस मिलेगा। यू आर राइट, अगला टारगेट लेडीबग का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्साइटिंग। और एक्साइटिंग होगा ये पता लगाना कि उस मास्क के पीछे कौन है। आहा, उसके लिए गुड लक। तुमने मेरी बात नहीं मानी एड्रियन, देखो स्कूल को। हाँ डैड। तुम वहाँ कभी भी वापस नहीं जाओगे। लेकिन बिना बॉडीगार्ड के, वो तुम्हें रोज छोड़ने और लेने आएगा। नेटली तुम्हारा नया शेड्यूल बना कर देगी। तुम अपना म्यूजिक, चाइनीज और फेंसिंग क्लासेस कंटिन्यू करोगे और फोटो शूट। थैंक यू नेटली, थैंक यू डैड। नहीं रुको। तुम गलत सीट पर बैठी हो, चलो जाओ यहाँ से। जानते हो, बुराई की जीत के लिए जरूरी है कि अच्छे लोग कुछ भी ना करें। और इसका क्या मतलब है? मतलब अब मैं तुमसे नहीं डरने वाली क्लोई, और ना ही कोई और डरेगा। तो अपना एटीट्यूड अपने पास रखो और चुपचाप वहाँ बैठ जाओ। क्या बात है। तुम्हें फ्रेंड्स बनाने हैं, है ना? तो जाकर मैरिनेट से उस च्युइंगम के बारे में बात करो। लेकिन मैं उससे क्या कहूँ? उसे सच बता दो।
है ही। देखो मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं तुम्हारी सीट से च्युइंगम निकाल रहा था, लगा नहीं रहा था। मैं कभी स्कूल नहीं गया, ना ही मेरे कोई फ्रेंड्स हैं। ये सब मेरे लिए काफी नया है। कल मिलते हैं। ठीक है, कल कल मिलते हैं। मैं कांप क्यों रही हूँ? Hey, मेरे पास एक आइडिया है मैरिनेट। स्कूल के पहले ही दिन दो लव बर्ड्स मिल गए। हाँ चुप करो, वो बस एक फ्रेंड है। एक फ्रेंड। आपकी चॉइस परफेक्ट है मास्टर। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं।